कि विकसित भारत संकल्प यात्रा की प्रदर्शनी जिस हिसाब से है, इनमें एक एक योजनाओं का लाभ सबको मिले, उसके लिए प्रदर्शनी लगाई हुई है कि हर शहर के अंदर में जिले के जहाँ जहाँ भी जाएं, ताकि आम आदमी शहर का निकल के आए और वो एक एक योजनाओं के बारे में पता करें और उसको उसका लाभ मिले। ऐसे गांव-गांव ढाणी ढाणी भी सब जगह पंचायतों में जा रहे हैं, तो उसका मकसद सिर्फ यही है कि देश के प्रधानमंत्री की मोदी गारंटी जो गाड़ियाँ हैं वो चल रही हैं, ताकि हर आदमी को उसका लाभ मिल सके। मैं समझता हूँ आज से पहले 55,000 मकान हमने बना के समर्पित कर दिए, वो लोकसभा का चुनाव नहीं था। आज करीब 1100 करोड़ रुपये खर्च करके हर घर को नल से जल देने का काम किया, वो लोकसभा चुनाव नहीं था। आज से पहले किसान सम्मान निधि दे दी, वो लोकसभा चुनाव नहीं था। आज एक एक योजना जो दी है माननीय प्रधानमंत्री ने, हर किसान को मजबूत करने की योजना दी है, ना कि कोई लोकसभा चुनाव। 55 साल इस देश में कांग्रेस को राज करते हो गए, लेकिन राम मंदिर को काल्पनिक बताना, राम को मानना ही नहीं, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो वो मंदिर में जा ही नहीं सकते, उन्हें अच्छा ही नहीं लगता मंदिर। राम मंदिर का जो निमंत्रण पत्र मिला है उसको लेकर सचिन पायलट जो टॉप से विधायक, उनका कहना है कि मंदिर में जाने के लिए निमंत्रण पत्र की जरूरत क्या है? मैं समझता हूँ कोई भी मंदिर बनता है, किसी का प्राण प्रतिष्ठा होती है, उसका खूब निमंत्रण आता है, अच्छे लोगों को बुलाया जाता है, सबको बुलाया जाता है। ये आज नहीं, जिनको पता ही नहीं है कि मंदिर बनता कैसे है, प्राण प्रतिष्ठा होती क्या है, उनको क्या पता। आप कितने उत्साहित हैं, आपको भी निमंत्रण? मैं समझता हूँ मुझे भी निमंत्रण मिला है, मैं बहुत उत्साहित हूँ, जिले के नाते मुझे जाने का मौका मिलेगा और उस क्षण का जो मुझे देखने का मौका मिलेगा, मेरे जीवन का धन हो जाएगा, मेरे जीवन का एक पल ऐसा होगा जो मुझे बहुत खुशी देगा। भाजपा पे कल तंज कसा है, सचिन पायलट ने करोड़ी लाल मीणा को छोटा मंत्रालय दिया है। वो माननीय मुख्यमंत्री का वो है, जिनको भी दिया है माननीय मुख्यमंत्री देते हैं, वो उन्हीं के अधिकार का काम है।